बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे आने वाले साल की। ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपके धन का क्या हाल रहने वाला है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये साल शुरुआत में ही दो बातें दिखा रहा है। इस दीपावली से अगले दीपावली तक को समझें तो दो बातें कन्या वालों के लिए तुरंत दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा, साथ ही साथ आपके लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, यानी स्थान परिवर्तन के साथ आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस साल में संपत्ति का लाभ होगा, यानी चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए फायदेमंद रहेगा, धन की स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। संपत्ति का लाभ, प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल पर्याप्त मात्रा में कन्या राशि वालों के पास पैसे आएंगे, पैसे अच्छे खासे आते हुए कन्या राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो आपका खुद का स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में इस साल आपके धन का खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक मामलों में भी पैसा खर्च होगा और लोगों की बीमारियों के मामले में अपने परिवार के जो लोग बीमार होंगे उनको भी बेहतर करने में पैसा खर्च होगा। देखिए चीजें बहुत सही तरीके से रास्ते पे आ जाएंगी, इसलिए शौक में कर्जा मत लीजिएगा। बहुत जरूरी ना हो तो आने वाले वर्ष में कर्जा लेने से आपको बचना चाहिए। भगवान शिव की जितनी उपासना आप इस साल में करें, नमः शिवाय का जप करें सुबह शाम, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी राशि कन्या है तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।